अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज इकरा सजाद। और लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 5 पार्ट्स को डिस्कस किया था, और आज के लेक्चर में हमने इसके 6 पार्ट से स्टार्ट करना है। तो जो हमारे पास 6 पार्ट है, जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है, इसमें हमने क्या फाइंड करना है, डोमेन और रेंज, और इसका हमने ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। तो जो हमारे पास 6 पार्ट है, उसमें जो हमारे पास फंक्शन है पीस वाइज फंक्शन, यानी इसमें 2 पार्ट्स हैं फंक्शन के, और हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, डोमेन और रेंज। तो हम इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। जब हम जी ऑफ एक्स लेंगे, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 1, तो इसमें जो हमारे पास इसकी डोमेन गिवन है, वो जो बाउंड्री कंडीशन है, वही इस फंक्शन की डोमेन बन जाएगी। तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो इसमें हमारे पास डोमेन क्या है इसकी, हैज डोमेन एक्स लेस देन 3। तो जो हमारे पास एक्स लेस देन 3 है, इसको अगर हम इंटरवल की फॉर्म में लिखें, तो हमारे पास किस तरह बन जाएगा, एक्स लेस देन 3, तो 3 से लेस जो हमारे पास होंगे, यानी माइनस की तरफ हमारे पास जाएंगे जो 3 से लेस होंगे, तो हमारे पास इंटरवल में किस तरफ जाएगा, माइनस इंफिनिटी तक। तो ये माइनस इंफिनिटी, अब ये 3, अगर इसके नीचे इक्वल का साइन होता लेस देन आर इक्वल, तो हमने क्लोज साइन लगा के 3 को लिखना था। अब जो हमारे पास एक्स लेस देन 3 है, तो हमने यहां पे क्या करना है, ओपन इंटरवल में यहां पे 3 लिख देना है। ये लेस देन 3 है हमारे पास, लेस देन 3 मतलब 3 से 2 1 0 माइनस 1 की तरफ हम जाएंगे, तो माइनस इंफिनिटी की तरफ हम जाएंगे, तो x less than 3 that is minus infinity, और 3 में हमारे पास ओपन इंटरवल में आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसके सेकंड जो हमारे पास इसका पार्ट है फंक्शन का, g of x is equal to 2x plus 1, ये डोमेन क्या रखता है, has domain 3 less than or equal to x। अब इसमें हमारे पास क्या है, x जो है वो greater than or equal to 3 है। अब x ग्रेटर हो गया 3 से और इक्वल का साइन भी है, तो हमारे पास क्लोज इंटरवल आएगा, और x ग्रेटर देन 3 है, तो 3 से ग्रेटर हमारे पास क्या जाएंगे, 4 5 6 यानी प्लस इनफिनिटी तरफ जाएगा, तो हमने यहां पे क्लोज इंटरवल 3 से प्लस इनफिनिटी, और इनफिनिटी के साथ हमारे पास ओपन इंटरवल आता है। तो ये हमारे पास, इसको हमने इंटरवल की फॉर्म में लिखा। अब ये टोटल फंक्शन, अब अगर हमने इस टोटल फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है, तो जो हमने ये दो इंटरवल अलग अलग लिखे, इसका क्या कर देंगे हम, यूनियन। तो डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये जो दो इंटरवल है इसका यूनियन, तो इसको हम लिखते हैं माइनस इंफिनिटी 3 यूनियन, इसमें कॉमा भी लगा ले अगर हम, और ये हमारे पास 3 से प्लस इंफिनिटी। अब अगर मैं इसको रियल लाइफ में इसको रिप्रेजेंट करूं, तो ये मेरे पास किस तरह से बनेगा, ये मेरे पास यहां पे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक है, और ये मेरे पास, ये मैं 0 1 2 3, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। अब एक इंटरवल मेरे पास कहां से कहां तक है, माइनस इंफिनिटी से 3 तक, तो इसका मतलब है कि यहां से एक स्टार्ट हुआ और यहां पे एक एंड हो गया। अब यूनियन हमने करना है, और दूसरा इंटरवल कहां से स्टार्ट हो रहा है, 3 क्लोज इंटरवल, तो ये यहां से दोबारा यहां से स्टार्ट हो गया और ये यहां तक जा रहा है, तो इस रियल लाइन में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इस इंटरवल में स्किप हुआ हो, तो यूनियन हम कहां से कहां तक लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, तो ये हमारे पास इसका यूनियन आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो ये हमारे पास डोमेन बन गई जी ऑफ एक्स की, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, ये हमने फाइंड कर ली इसकी डोमेन। अब अगर हमने फाइंड करनी है इसकी रेंज क्या है हमारे पास, तो रेंज हम कैसे फाइंड करेंगे, अब रेंज फाइंड करने के लिए इसके जो इंटरवल हमें गिवन है, हमने इस इंटरवल की वैल्यूज इस फंक्शन में पुट करनी है, और फिर उससे एक इंटरवल बनेगा, और फिर उन इंटरवल का हम यूनियन कर लेंगे। तो मैं इस फंक्शन के लिए इस इंटरवल को यूज कर रही हूं, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, और इसमें हमारे पास इसकी डोमेन कौन सी थी, माइनस इन्फिनिटी से 3, तो
तो अब अगर मैं यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है, इसमें माइनस इन्फिनिटी का मैं पुट कर दूं, तो माइनस इन्फिनिटी को ये लार्ज इन्फिनिटी को हम काउंट नहीं कर सकते, तो माइनस इन्फिनिटी क्या रहेगा, इसकी रेंज जो होगी जी ऑफ एक्स माइनस वन हैज रेंज। अब मैंने इस इंटरवल को इस फंक्शन में पुट किया, माइनस इन्फिनिटी उसको हम पुट नहीं कर सकते, तो माइनस इन्फिनिटी की जगह हम माइनस इन्फिनिटी रख लेंगे। इसी तरह अब इसका लास्ट नंबर जो है वो हमने इस फंक्शन में पुट करना है, यहाँ पे हमारे पास लास्ट नंबर क्या है, 3, तो मैं इस फंक्शन में यहाँ पे पुट कर दूंगी, ये g ऑफ x इज इक्वल टू 3 - 1, तो मेरे पास 3 - 1 2 आ गया, तो हमने यहाँ पे क्या लिख देना है, 2। अब 3 के साथ मेरे पास यहाँ पे ओपन इंटरवल था, तो मैंने इसके साथ यहाँ पे भी ओपन इंटरवल लगा देना है। अब इसी तरह इस फंक्शन के लिए मैं इस इंटरवल को यूज करते हुए इसकी क्या फाइंड करूंगी, रेंज। तो g ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 1 हैज रेंज। अब यहां पे हमारे पास क्या है, क्लोज इंटरवल में 3, तो पहले यहां पे क्लोज इंटरवल था, तो मैंने यहां पे भी क्या किया, क्लोज इंटरवल लगा लिया। अब मेरे पास यहां पे 3 था, तो मैंने इस फंक्शन में यहां पे x की जगह क्या पुट करना है, 3, तो इस फंक्शन में मैं यहां पे x की जगह ये वाला 3 पुट करूंगी, तो g ऑफ x 2 × x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 3 + 1, तो 2 × 3 = 6 + 1 क्या हो गया हमारे पास, 7। तो मैंने इस 3 को पुट किया इस फंक्शन में, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, 7। इसी तरह ये प्लस इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी की जगह हम वही इन्फिनिटी लगा देंगे, प्लस इन्फिनिटी, और इसके साथ हमारे पास क्या होता है, ओपन इंटरवल। अब हम अगर हमने फाइंड करनी है, ये हमने अलग अलग पार्ट की रेंज फाइंड की, अब मैंने अगर टोटल जी ऑफ एक्स की रेंज फाइंड करनी है, तो मैंने क्या करना है, इन दोनों का अब यूनियन ले लेना, जैसे हमने डोमेन फाइंड करते हुए किया था। तो अब रेंज ऑफ g ऑफ x वो इन दोनों इंटरवल्स का यूनियन आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 7 से प्लस इन्फिनिटी। अब अगर मैं इसको देखूं, तो मेरे पास ये क्या है, इसको मैं यहां पे देखूंगी रियल लाइन पे, कि क्या ये मेरे पास पूरी रियल लाइन कवर होती है या नहीं। तो ये एक इंटरवल हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से, ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ और कहां तक गया, 2 तक, और दूसरा कहां से स्टार्ट हो रहा है, 7 से, तो यहां से 2, 3, 4, 5, 6 और 7, दूसरा स्टार्ट हुआ 7 से और वहां वो कहां तक गया, प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब है कि जब हम इस इंटरवल का यूनियन ले रहे हैं, तो इसमें कुछ पॉइंट्स रियल लाइन में स्किप हो गए, जैसे यहां 2 तक गया, उसके बाद गैप 3 नंबर नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं, अब ये 7 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है इस यूनियन हमारे पास इन्फिनिटी के फॉर्म में नहीं आ सकता, तो इसका यूनियन क्या रहेगा, हमारे पास यही रहेगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब जो हमारे पास इसका 7th पार्ट है वो डिस्कस करते हैं। अब इसका जो हमारे पास 7th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, उसमें जो हमारे पास फंक्शन गिवन है वो हमारे पास क्या फंक्शन है, x²-3x+2/x+1, और इसमें हमारे पास कंडीशन क्या इक्वल है, हमारे पास x≠-1, और हमने इसमें फाइंड करनी है डोमेन एंड रेंज, और इसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। तो इसका जो ग्राफ है वो आपने खुद ड्रॉ कर लेना है, मैंने एक क्वेश्चन करवाया था फर्स्ट, तो बाकी जितने भी पार्ट्स है उसमें आपने इजिली इसका ग्राफ पॉइंट्स लेके ड्रॉ कर लेना है। अब इस फंक्शन की हम क्या फाइंड करते हैं, डोमेन और रेंज। अब अगर हम देखें कि हमारे पास ये फंक्शन जो है डिवीजन फॉर्म में है, और डिवीजन फॉर्म में हमारे पास क्या होता है कि अगर नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी आने के चांसेस होते हैं, और डोमेन फाइंड करते हुए हमने एक्स की ऐसी वैल्यूज को पुट करना होता है कि हमारे पास अयोटा और इन्फिनिटी ना आए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो मेरे पास जो फंक्शन है, अगर एक्स की जगह मैं यहाँ पे नीचे क्या पुट कर दूं, -1, तो मेरे पास ये नीचे 0 हो जाएगा, यानी जो हमारे पास फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x²-3x+2/x+1। अब मैं अगर नीचे यहां पे पुट कर दूं -1 + 1, तो ये नीचे 0 हो जाएगा और ये हमें क्या देगा, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास डोमेन है उसमें सिर्फ हम अगर -1 पुट करेंगे तो ये हमें इन्फिनिटी देगा, और बाकी अगर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर पुट कर लूं तो मेरे पास ये इन्फिनिटी फॉर्म नहीं आएगी, और अयोटा फॉर्म तो वैसे भी नहीं आएगी क्योंकि स्केलर फॉर्म में अयोटा फॉर्म आती है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, जो इसकी डोमेन लिखनी है उसमें से -1 को स्किप कर देना है, क्योंकि बाकी जितने भी रियल नंबर्स है उसपे ये हमारे पास
इन्फिनिटी फॉर्म नहीं आएगी। तो इसका मैं डोमेन लिखती हूँ, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स अब हमने इसमें से क्या स्किप करना है माइनस वन, क्योंकि माइनस वन पे नीचे जीरो हो जाता है और ये हमें इंफिनिटी देता है, एक्सेप्ट माइनस वन। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अगर मैं इसको इस तरह भी लिख सकती हूं कि मेरे पास ये मैंने रियल लाइन ली, इसमें से मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया किसको माइनस वन को, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि रियल जो नंबर्स है उसमें से मैंने माइनस कर दिया माइनस वन को। अब हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज फाइंड करने में क्या हमारे पास इसमें क्या होगा, अब हमने रेंज में भी हमारे पास एक ही पॉइंट स्किप होगा, और वो पॉइंट कौन सा होगा जो माइनस वन पुट करने की वजह से हमारे पास उसकी या उसका आंसर आएगा। तो पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करती हूं, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। अभी इसकी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं ताकि हम नीचे वाले को थोड़ा कैंसिल, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर में जो हमारे पास टर्म है वो कैंसिल हो जाए, और फिर हम माइनस वन पुट करें और फिर जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हमने रेंज में स्किप करना होगा। तो अब ये मेरे पास क्या बनेगी, इसको मैं फैक्टराइजेशन करती हूं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू ओवर एक्स प्लस वन। तो अब मैंने एक्स कॉमन कर लिया, एक्स माइनस टू माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू ओवर एक्स प्लस वन। अब हमने इसकी रेंज फाइंड कर ली, रेंज क्या है हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस वन। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज फाइंड करने के लिए हमने इस तरह के क्वेश्चंस में यहां पे हमारे पास जो यहां पे ऊपर फंक्शन गिवन है इसकी हम क्या कर सकते हैं फैक्टराइजेशन। तो इसकी पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसकी हम पहले फैक्टराइजेशन करते हैं, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के माइनस, यहाँ पे आपने करेक्शन कर लेनी है, यहाँ पे माइनस नहीं है हमारे पास, यहाँ पे प्लस है, प्लस थ्री एक्स प्लस टू ओवर एक्स प्लस वन। अब मैं इसकी फैक्टराइजेशन करती हूं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू ओवर एक्स प्लस वन। अब इसमें से कॉमन कर लेंगे, x कॉमन किया तो x प्लस टू, प्लस वन कॉमन किया तो x प्लस टू एक्स प्लस वन। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन। तो यहां से x प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस टू। इसको हमने सिंप्लीफाई इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास जब माइनस वन पुट करें तो नीचे क्या आ रहा था, हमारे पास इन्फिनिटी आ रहा था। तो इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर यहां से कैंसिल हो जाए, और उसके बाद हम ये माइनस वन पुट करेंगे और जो पॉइंट थी इसका आंसर आएगा उसको हमने क्या करना है, रेंज में से स्किप कर देना, क्योंकि इस पॉइंट की वजह से जो आंसर आएगा जाहिर सी बात है इस पॉइंट को जब हमने डोमेन से स्किप कर दिया तो रेंज में भी जाहिर सी बात है जो इसकी वजह से आंसर आएगा वो भी तो स्किप होगा। तो इस पॉइंट को अब इस फंक्शन पुट कर देंगे एक्स प्लस टू में, तो जी ऑफ एक्स हमारे पास यहां से क्या आ गया एक्स प्लस टू। अब इसमें मैं अगर माइनस वन पुट करूं तो माइनस वन प्लस टू क्या आ जाएगा वन। जब माइनस वन रेंज से डोमेन से हमारे पास एक्सक्लूड हुआ तो रेंज से उस पॉइंट की वजह से जो रिजल्ट आना है वो भी एक्सक्लूड हो जाएगा। तो यहां पे अब माइनस वन हमने पुट किया तो हमारे पास वन आ गया, तो रेंज में से क्या स्किप हो जाएगा वन। तो रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगी, रियल लाइन में से हमने क्या करना है माइनस कर देना है वन को। इसको हमने इसलिए स्किप किया क्योंकि माइनस वन यहां से स्किप हुआ, जब माइनस वन स्किप हुआ तो इसमें अगर जब माइनस वन ही नहीं है डोमेन में
तो रेंज में क्योंकि x की उन वैल्यू से रिजल्ट आता है, तो जब माइनस वन स्किप हुआ तो जो उससे आंसर आना है फंक्शन में तो वो वाला आंसर भी स्किप हो जाएगा। तो हम इसका एट्थ पार्ट करते हैं। अब जो हमारे पास इसका एट्थ पार्ट है उसमें हमारे पास जो फंक्शन गिवन है g of x is equal to x square minus 16 over x minus 4, तो अब इसमें हमारे पास डिवीजन फॉर्म में है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास यहाँ पे इन्फिनिटी आने के चांसेस है। तो हम चेक करते हैं कि इसमें डिनोमिनेटर जीरो कब होता है। तो डिनोमिनेटर कब जीरो होगा, डिनोमिनेटर ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। द डिनोमिनेटर ऑफ g ऑफ x इज 0 जब हमारे पास डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 होगा तब हमारे पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है तो x की साइड पे लेके जाएंगे x इज इक्वल टू 4। यानी जब हमारे पास x अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करूं तो मेरे पास जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा 0। तो जब डिनोमिनेटर 0 होगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास डोमेन बनेगी उसमें से हमने क्या स्किप कर देना है x इज इक्वल टू 4। तो इसकी डोमेन जो हमारे पास है वो क्या आ जाएगी, डोमेन ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू रियल लाइन में से 4 को हमने क्या कर देना है माइनस। अब इसी तरह अगर हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है, तो इसी पॉइंट को हमने यहां पे पुट करना है और जो आंसर आएगा उसको उसको हम रेंज में से स्किप कर देंगे। अब यहां पे हमारे पास 4 आया है तो मैं यहां पे 4 पुट करूं तो मेरे पास यहां पे इंफिनिटी आता है। तो इसको हम थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो कैंसिल आउट हो जाए और बाकी फिर हम ये वैल्यू पुट कर सकें। तो जी एफ एक्स को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 16 ओवर एक्स माइनस 4। अब ये हमारे पास कौन सी, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर ओवर एक्स माइनस 4। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4। तो यहां पे हमारे पास x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पे हमारे पास क्या बच जाएगा x प्लस 4। तो अब जो हमने डोमेन में जिस नंबर को माइनस किया था अब उसी नंबर को हमने इसमें पुट करना है और जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम रेंज में से माइनस कर देंगे। तो अब मैं इसको पुट करती हूं इसमें g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 4। अब मैंने x की जगह क्या पुट कर देना है 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा मेरे पास 8। तो अब जो आंसर आया इसको पुट करने से अब रियल लाइन में रेंज में उसको मैंने माइनस कर देना है तो इसकी रेंज क्या बन जाएगी, रेंज ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू रियल लाइन में से इसको माइनस कर देंगे हम 8। तो ये हमने इसकी फाइंड करनी डोमेन है रेंज और आपने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास फंक्शन गिवन है f of x is equal to x cube minus ax square plus bx plus 1। अगर हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन इस तरह से गिवन है कि अगर हमारे पास f of 2 is equal to minus 3 एंड f of minus 1 is equal to 0 तो हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पे वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो हमने सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे f of 2 है तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन में f of x में x की जगह हम क्या पहले पुट करेंगे 2। तो इस फंक्शन में हम पुट करते हैं f of 2 तो यहाँ पे x की जगह हमने 2 पुट कर देना है तो 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस a इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b इंटू 2 एक्स है तो x की जगह हमने 2 पुट कर दिया प्लस 1 तो ये हमारे पास क्या हो गया 2 की पावर 3 हमारे पास 8 आ जाएगा 2 2s are 4a plus 2b plus 1।
और हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ टू क्या गिवन था, माइनस थ्री, तो एफ ऑफ टू किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस थ्री के। अब जो वापस इसमें कॉन्स्टेंट्स हैं उसको हम प्लस माइनस कर लेते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम इक्वेशन बना देते हैं, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस फोर ए प्लस टू बी, ए प्लस वन हमारे पास क्या हो जाएगा, नाइन इज इक्वल टू माइनस थ्री, माइनस फोर ए प्लस टू बी, माइनस थ्री प्लस नाइन को हम इस साइड पे लेके जाएंगे माइनस नाइन, और ये हमारे पास माइनस का ट्वेल्व। अब मैं दोनों साइड से माइनस टू से इसको डिवाइड कर देती हूं, तो टू ए माइनस बी इज इक्वल टू सिक्स, इसको मैंने माइनस टू से क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर वन। अब मैंने क्या करना है, एफ ऑफ माइनस वन फाइंड करना है, तो जहां जहां एक्स है हम क्या करेंगे उसकी जगह माइनस वन पुट कर देंगे, तो इस फंक्शन में पुट करें एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन की पावर थ्री माइनस ए इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी इंटू माइनस वन प्लस वन। तो माइनस वन एफ ऑफ माइनस वन हमारे पास किसके इक्वल है, जीरो के, तो इसको जीरो के इक्वल रख देंगे, और उसके बाद माइनस वन की पावर थ्री माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन माइनस ए माइनस बी प्लस वन, तो ये प्लस वन से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर टू हो गई। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन ए की वैल्यू हमारे पास आ गई ए इज इक्वल टू टू, अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से किसी भी पुट कर दें तो हम यहां से बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इक्वेशन नंबर टू में मैंने ए की वैल्यू पुट कर देनी है, फ्रॉम इक्वेशन टू ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो है, मैं इसमें ए की वैल्यू पुट करूंगी, टू प्लस बी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो बी मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस टू, तो यहां से मेरे पास बी की वैल्यू आ गई माइनस टू। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर फाइव में ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर फोर के कुछ पार्ट्स को डिस्कस किया और क्वेश्चन नंबर फाइव को भी डिस्कस किया, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।